बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम शाइस्ता परवेज मलिक है और मैं एक प्राउड पाकिस्तानी हूँ। मैं सोशल वर्क भी करती हूँ, फिलेंथ्रोपिस्ट हूँ, मैंने मास्टर्स फ्रॉम होम इकोनॉमिक्स किया हुआ है और अब मैं सिटिंग MNA हूँ। ये मेरा सेकंड टेन्योर है। देखिए, मेरे नज़दीक पेट्रियोटिक होना है मतलब कि आप अपने मुल्क से प्यार करें, सिंपल वर्ड्स, मोहब्बत करें, यू शुड लव इट एंड यू शुड, और अपने मुल्क के साथ ऐसे प्यार करें जैसे आप अपने साथ प्यार करते हैं। और जो शख्स अपने लिए जो चीज़ चाहता है, बेहतरीन चाहता है अपने लिए, आप चाहते हैं कि आपको आपके साथ ज़्यादती ना हो, आप चाहते हैं कि आपके साथ इंसाफ हो, आप चाहते हैं कि आपको सब इज़्ज़त की निगाह से देखें, आप चाहते हैं कि आपके पास दुनिया की हर ज़रूरत नहीं बल्कि जो आपकी ज़रूरियात हैं वो आपके पास हों, तो मेरे नज़दीक यही है कि मैं पैशनेटली अपने मुल्क के लिए हूँ। और मैं चाहूँगी कि जितनी मुल्क में नाइंसाफियाँ और इनक्वालिटीज़ हैं उनको मैं ख़त्म कर सकूँ किसी तरह। देखें, लोग कहते हैं कि मैंने बहुत अचीव किया है इन द सेंस कि मैंने लेजिस्लेशन में भी बहुत इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशंस की हैं खुद असेंबली में, और मेरे ख़्याल है मैंने बहुत से लोगों को उनके पाँव पे खड़ा किया है। दिल मेरा ये वही चाहता है, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये आई फील कि इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो हमारा बर्थ राइट है, दैट इज़ फ्रीडम, आज़ादी, वो आज़ादी मैं सिर्फ अपने लिए नहीं चाहती बल्कि अपने तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी चाहती हूँ। मुझे चाहिए बोलने की आज़ादी, मुझे चाहिए जीने की आज़ादी, मुझे चाहिए जिस तरह जैसा मैं जो करना चाहूँ उसकी आज़ादी, क्योंकि एक मुल्क मैं नहीं बल्कि आप और आप और आप हम सब से बनता है। इसलिए जब तक हम तमाम लोगों को अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे, जब तक तमाम लोग नहीं उठ सकेंगे, तो मेरा ख्याल है मेरा उठना और मेरी अचीवमेंट्स मेरे नज़दीक बेकार हैं। देखिए, एज आई मेंशन्ड कि आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर आल्सो, और हमारा यही है कि बिकॉज पहले तो हम अपने ऑफिस में, पॉलिटिकल ऑफिस में जो जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी में केक कटिंग करना चाहते हैं, मुल्क और कौम के लिए दुआएं करना चाहते हैं, पहले तो हम बहुत सी जगह जाते थे, लेकिन इस दफ़ा बिकॉज ऑफ द कोविड और बिकॉज हालात ऐसे नहीं हैं, तो एक फंक्शन हो रहा है वो ये होता है कि हम फ्लैग रेजिंग और उसके बाद केक कटिंग और उसके बाद मुल्क और कौम के लिए दुआ, और आई वुड से कि हमें दुआ के साथ, अब वो जो कहते हैं दवा के साथ तदबीर भी करनी है, तो हमें एक अहद भी करना है कि हमने इस मुल्क के अपने अंदर भी झांकना है, देखना है कि हमने क्या दिया इस मुल्क को और इस मुल्क ने हमें कितना कुछ दिया है। अब कल का दिन, ये भी आई थिंक वैसे तो हमें रोज़ सोचना चाहिए, लेकिन कल ख़ास तौर पे हमें अपने अंदर झांकना है और देखना है कि जो कायद का पाकिस्तान था और जिसकी बिना पे हमें आज़ादी मिली थी और जो होना चाहिए था इस मुल्क में आया, कि हम उसमें क्या कितनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। देखें, मैं नहीं या हाँ मैं नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान येस, बिकॉज जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप रास्ता खोलते हैं उन बहुत से लोगों की जो नौकरियों की तलाश में, जब आप मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं तो आप मुल्क के नाम से कोई चीज़ बनाते हैं और उम्मीद हमें है कि मुल्क में भी इस्तेमाल होगी और उसकी एक्सपोर्ट भी होगी तो मुल्क का नाम रोशन होगा। तो आई थिंक येस, आप करें मुल्क में इन्वेस्ट अच्छे किरदार से, अच्छी एनवायरनमेंट से और अच्छे कारोबार से, मतलब हर चीज़ में आपकी एक मोहब्बत, जो मैंने जैसे शुरू में कहा कि पेट्रियोटिज़म बहुत सिंपल लफ्ज़ों में मेरे नज़दीक वतन से मोहब्बत है, और जब वतन से मोहब्बत होती है तो आप हर वो काम करेंगे जिसमें आपकी मोहब्बत झलकनी चाहिए। आई थिंक देखें, पेट्रियोटिज़म में बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन पता नहीं, अगर मैं सिर्फ आपको ये कहूँ कि कायदे आज़म ने जिन हालात में, जिन मुश्किलात में, उनके साथ जो उनकी पूरी टीम थी,
सर सैयद साहब थे, उनके साथ इलामा इकबाल थे, मतलब वो सब लोग एक सिंबल थे पेट्रियोटिज़म का, और उनको ही देख के हम इंस्पायर होते हैं कि उन्होंने किन हालात में क्या सोच कर किस तरह मुल्क को, एक ने तसव्वुर किया और एक ने उस ख्वाब को हकीकत बनाया। तो आई थिंक उनकी मिसाल सामने होती हुई हमें इधर उधर किसी मिसाल की ज़रूरत है नहीं। वैसे देखें, एट माय एज इन एट 73 आफ्टर 73 इयर्स ऑफ पाकिस्तान 74, हम वो इनकलकेट नहीं कर सके कि नेशनलिज्म क्या होता है और पेट्रियोटिज्म क्या होता है। उसमें बहुत सी वजूहात हैं। आई थिंक इन सिंपल वर्ड्स, इफ़ आई डोंट गो इनटू डिटेल, माय आंसर इज़ के नो। जी बिल्कुल, मैं तो ये दोबारा एंडोर्स करती हूँ कि पाकिस्तान उनका मुल्क है, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान दुनिया में अगर उठ सकेगा तो वो यही है ना कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आएँ, यहाँ पे रोज़गार मुहैया हो, यहाँ पे लोगों के हालात बेहतर हों, यहाँ पे लोग फलें फूलें, तो मुल्क तरक्की डेफिनेटली करेगा। पाकिस्तान को तामीर करो मोहब्बत से।